कोई धर्म 1200 साल पुराना, कोई 2200, और हमारा था है और इसलिए सनातन है। जब भगवान को सोना होता है तब संसार में प्रलय हो जाती है। जिस समय भगवान सोने की इच्छा रखते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तब संसार में सर्वत्र जल ही जल हो जाता है। और उस समय भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर बाल स्वरूप धारण करके योग निद्रा में सो जाते हैं। सच्चिदानंद गण सर्वेश्वर सच्चिदानंद को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज ने कहा, अनेकानेक प्रसंगों के साथ सृष्टि वर्णन प्रारंभ किया। सृष्टि वर्णन, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, अब जरा ध्यान से सुनिए, यह बहुत सुंदर विषय है। कोई धर्म 1200 साल पुराना, कोई 2200, और हमारा था है और इसीलिए सनातन है। इसीलिए ये, जब संसार में, जब भगवान को सोना होता है, निद्रा में जाना होता है, तब संसार में प्रलय हो जाती है। ये टीवी चैनलों पर रोज आता है, ये प्रलयकालीन समय प्रारंभ हो गया। किसी ने कहा 2000 में प्रलय होगी, किसी ने कहा भैया 2060 में होगी, कहते कहते अभी तक आ गए। हमने उस समय भी कहा अभी प्रलय होने वाली नहीं, आज तक तो हो ही नहीं, 2023 चल रहा है। आप याद करो, बहुत पहले हल्ला मचा था, प्रलय का टाइम आ गया, प्रलय का टाइम आ गया। आपने भी न्यूज चैनलों पे सुना होगा, सुना था कि नहीं, आ गई प्रलय। भागवत के अनुसार अगर हम भागवत पे विश्वास करें तो अभी भागवत के अनुसार प्रलय बहुत दूर है। लेकिन आप सोचेंगे फिर क्या टेंशन है, टेंशन यह है कि हम तो जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन प्रलय है। विश्व में प्रलय कब आएगी हम उससे क्या मतलब, हमारी तो मौत जिस दिन हो गई उसी दिन प्रलय है। तो अपनी प्रलय होने से बचाओ, अपना कल्याण करवाओ, हमारी प्रलय तो मृत्यु ही है, तो हमें तो उस पर ध्यान देना है ना, है कि नहीं। जिस समय भगवान सोने की इच्छा रखते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तब संसार में सर्वत्र जल ही जल हो जाता है। और उस समय भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर बाल स्वरूप धारण करके योग निद्रा में सो जाते हैं। और पूरा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है। पर जब भगवान की वो योग निद्रा भंग होती है और जब एक में से बहुत होने की इच्छा होती है, एको हम बहुत श्यामा, जब एक में से बहुत होने का मन होता है तो भगवान सिर्फ संकल्प करते हैं। और संकल्प मात्र से नारायण की नाभि से कमल, सुनिए जरा सृष्टि कैसे बनती है। और आज हम मनुष्य के लिए भी हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, जन्म के लिए आप सबके काम आने वाली बात, जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं अथवा सुन रहे हैं, इन सब के मतलब की बात है। कलयुग चल रहा है और हम सब प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, हमारा जन्म कैसे होता है, कितना भयानक है, सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों से मानसिक पुत्र जब ब्रह्मा जी ने बनाए तो इन चारों से कहा विवाह करो। चारों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं करोगे, बोले हम भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। बोले ये तो ठीक नहीं है, बोले हम तो यही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, हम तुम्हें साफ देते, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा बाल रूप में ही बने रहोगे, हमारा साफ है। बोले आनंद आ गया, हम बच्चे बने रहेंगे, हम कभी बड़े नहीं होंगे, तो हमारे लिए तो ये वरदान है। काहे को, बोले इसलिए बचपन में किया हुआ सत्कर्म कई गुना ज्यादा अच्छा होता है।
जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, बचपन में एक माला, जवानी की 50 माला और बुढ़ापे की 100 माला बराबर है। अगर तुमने बचपन में एक माला कर ली तो तुम्हें बुढ़ापे की 100 माला के बराबर फल मिलेगा। यह मां बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को देखो गजब की बात है, पढ़ ले, ट्यूशन में चला जा, स्कूल में चला जा, कितनी जिद रहती है मम्मी को, रहती है कि नहीं रहती है? उससे थोड़ी सी भी जिद ये कर लो कि स्कूल जाने से पहले एक बार भगवान के आगे माथा टेक ले और एक माला करके चला जा, एक माला कर जा। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हो कि नहीं, मैं क्यों कहता हूं बार बार अपने बच्चों को लाओ। हो सकता है जो शिक्षा तुम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हो वो शिक्षा ये व्यास पीठ दे दे। ऑलवेज कथाकार ये कहते बच्चों को मत लाना, बहुत शोर शराबा करते हैं, बच्चों को वहीं रखो, समझदार आया करो कथा में। लेकिन मैं अब से नहीं, 15-16 साल हो गई जब से आप मुझे आस्था पे सुन रहे हो। कितने साल हो गए होंगे आस्था पे आते आते हमें? कई तो हमारी उम्र के लोग हमको मिलते, पता क्या कहते, हम तो आपको बचपन से सुन रहे हैं। तेरा मेरा बचपन साथ का ये, मैं तो बचपन में, पर चलो उनको तसल्ली मिल जाती है तो मुझे भी तसल्ली मिल जाती है। लगभग 20 साल हो गए आस्था पे। 2004 में शायद पहली बार आया था तो 23 चल रहा है। मैं तब से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को साथ में लाया करो। क्यों? जिस घर में बच्चे संस्कारवान हो जाते हैं उस घर में आने वाली पीढ़ियां बड़ी सात्विक हो जाती हैं, आने वाली पीढ़ियां भी सात्विक होती हैं, कल्याणकारी होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अभी भी आपके पास आज के बाद 4 दिन हैं। आप कहेंगे ट्यूशन चल रहा है, छोड़ दो 4 दिन ट्यूशन, पूरी साल पढ़ा तब नहीं कुछ बना, तो 4 दिन के ट्यूशन में कौन सी वो महात्मा गांधी की डिग्री ले आएगा? और वैसे भी आजकल डिग्री चल रहा है, गेम डिग्री दिखाओ, डिग्री खाओ, डिग्री पहनो, डिग्री बिछाओ, आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है, बोलो डिग्री दिखाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, डिग्री जरूरी है कि कर्म? जोर से बोलो। मैंने तो ये देखा है जितनी जितनी बड़ी डिग्रियां जिनके पास है उन लोगों ने उतना ही नाश किया संस्कारों का। अगर कोई कहे कि मुझसे डिग्री दिखा दो तो मैं कहूंगा तुम्हारे माथे पे तिलक है कि नहीं, तुम्हारे गले में कंठी है कि नहीं, कंधे पे यज्ञोपवीत है कि नहीं, तुम्हारे सिर पे शिखा है कि नहीं। मेरी नजर में यही डिग्री है। जो अपने संस्कारों को जीता है उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं हो सकती। अरे कागजी डिग्री पर बिलीव करते हो? कागजी डिग्री का क्या है? 15 साल पढ़े, 20 साल पढ़े और डिग्री ले आए और फिर भी बाप के सामने बैठ के पी रहे हो तो धिक्कार है ऐसी डिग्री को। बाप के आगे बैठ के पी रहे हो साहब, ये डिग्री है? इससे तो मेरी डिग्री अच्छी, अनपढ़ है लेकिन इसके बावजूद भी समाज के कल्याण की चिंता मन में रहती है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलोगे अब? अच्छा भोपाल वाले ऐसा करेंगे हमारे साथ? मैं पुनः एक बार आग्रह कर रहा हूं, अपने बच्चों से एक माला नमो भगवते वासुदेवाय की अवश्य करवाएं। ओम शब्द का इस्तेमाल वो न करें जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। आप इस मंत्र का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवा, ये माला अपने बच्चों से करवाइए। एक ही सही, एक माला 1.5-2 मिनट में, 3 मिनट में हो जाएगी ज्यादा ज्यादा। और आपके बच्चे के बचपन की 3 मिनट बुढ़ापे के 3 घंटों के बराबर होगी। अपने बच्चों का आध्यात्मिक कल्याण करने की इच्छा भी अपने मां बाप को रखनी चाहिए ना, जरूर करवाएं।